सो गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रेडमी नोट 13 5G स्मार्टफोन की। सो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस फ़ोन को बाय करने का प्लान कर रहे हो देन गाइस डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। बिकॉज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस फ़ोन के फीचर्स को डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा कि फ़ोन कैसा कैसा गाइस रहने वाला है एंड क्या आपके लिए गाइस ये फ़ोन अच्छा है या फिर अच्छा नहीं है। सो दोस्तों, देखते हैं वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको थोड़ा चीज़ें क्लियर हो पाएँ कि ये फ़ोन कैसा कैसा होने वाला है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों यार, यहाँ पे हमारे पास ये स्मार्टफोन रेडमी नोट 13 5G का फुल नेम है गाइज, ये प्रो नहीं है थोड़ा सा, ठीक है आप लोग इसको ध्यान रखें। रेडमी जैसे रेडमी नोट 5 होता है, नोट 5 प्रो लग से है, वैसे गाइज ये वही सीरीज है रेडमी नोट 13 5G। तो इसकी लुक्स गाइज आपके सामने यहाँ इस तरह की होने वाली है पीछे से, ये व्हाइट वाला कलर मैंने लिया, इसमें आपको एक ब्लैक कलर भी मिल जाएगा। अभी गाइज इसके प्राइस की बात करें यहाँ पे, तो आपको गाइज इसका प्राइस देखने को मिलेगा लगभग गाइज 15,800, मतलब गाइज 16,000 रुपये में आपको इसका बेसिक सा वेरियंट मिल जाएगा, मतलब बिल्कुल जो नीचे वाला वेरियंट है। 6GB रैम एंड 120GB स्टोरेज, बाकी गाइज इसमें 8GB रैम भी आपको और 12GB रैम भी अवेलेबल है, प्लस 256GB स्टोरेज भी इसमें आपको दोस्तों देखने को मिलेगी मैक्स वर्जन तक। तो आप लोग उसके प्राइस आपको पता, शायद इससे 2-3 हज़ार आप होंगे। बाकी मैं मेन गाइज 6GB रैम एंड 120GB स्टोरेज वाला आपको मिलेगा गाइज 16,000 रुपये का, फ्लिपकार्ट करंटली मिल रहा है। थोड़ा बहुत गाइज ऊपर नीचे प्राइस का हो सकता है, डिपेंड करता है कोई नया सेल वगैरह लग पड़े तो। डिस्प्ले दोस्तों आपको इसमें मिलेगी 6.67 इंच की फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले गाइज एंड बेजल लेस डिस्प्ले, मतलब कि गाइज काफ़ी साइड में एरिया कम होने वाला है, मतलब कि है ना पूरी जो मतलब आपको फ्रंट में डिस्प्ले देखिए, यहाँ पे आपको फोटो में थोड़ी चीज़ें दिख रही होंगी, देखिए साइड में बिल्कुल भी गाइज एरिया बहुत कम है एंड प्रॉपर डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलेगी। 120Hz के इसमें गाइज आपको रिफ्रेश रेट मिल जाएगा एंड 1000 nits की आपको इसमें गाइज पीक ब्राइटनेस मिलेगी डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले इसकी गाइज ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं उसको इसमें मेरे को लगी। कैमरा दोस्तों यहाँ पे आपको बैक में मिलेगा 108MP, मतलब दोस्तों 108 MP का आपको इसमें बैक कैमरा मिलेगा, जिसमें आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाएगा एंड 2MP का मैक्रो कैमरा मिल जाएगा। तो दोस्तों पीछे आपको यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप विद अ फ्लैश लाइट देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आपका मेन कैमरा होने वाला है 108 MP का। फ्रंट में गाइज आपको 16MP का कैमरा मिलेगा फ्रंट में। सो ये गाइज इसका कैमरा के फीचर्स होने वाले हैं। बैटरी दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगी 5000 mAh की बैटरी विद अ 33W चार्जर गाइस, 33W फास्ट चार्जर एंड टाइप सी केबल साथ में सपोर्ट करेगा ये, और प्लस आपको इस केबल भी इसके साथ में मिली जाएगी आई थिंक बॉक्स में। तो अभी गाइस हम इसकी बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा MediaTek का Dimensity 6080 गाइस, ठीक है। तो इसका गाइस एंटूटू स्कोर आता है लगभग 4.5 लाख के करीब करीब, थोड़ा ऊपर नीचे करता वेरी, तो जो कि ठीक ठाक स्कोर है गाइज एक 4.5 लाख, तो मतलब बढ़िया फ़ोन है, मतलब चल ठीक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ऐसे अदर फीचर्स में दोस्तों आपको इसमें मिलेगा एंड्रॉयड 13 का सपोर्ट, बिकॉज थोड़ा पहले का फ़ोन है गाइज, मतलब इसमें एंड्रॉयड 14 नहीं दे रही है। UI आपको मिलेगा इस MIUI 14 इसमें एंड IP54 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस डिज़ाइन इसका। दोस्तों फ़ोन ये 5G होने वाला, ऑब्वियस इसके नाम में भी 5G लिखा है, रेडमी नोट 13 5G। 3.5 mm का गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसको, आपको नीचे ये ऊपर साइड ऊपर वाली साइड में आपको दोस्तों जैक मिल जाएगा। इन डिस्प्ले इसका गाइज फिंगरप्रिंट होने वाला है, बिकॉज डिस्प्ले इसकी एमोलेड है। तो IR पोर्ट गाइज रेडमी के फ़ोन में पहले से काफ़ी आकर्षण का चीज़ रही है, मतलब जहाँ के इनकी सीरीज शुरू हुई थी रेडमी की, कोई भी फ़ोन देख लो आप लोग, मैक्सिमम में करते सभी में मिलता है ये IR पोर्ट लाइक गाइज की MI रिमोट है, जो TV वगैरह इसी कुछ भी आप चेंज चला सकते हो। एंड गाइज 7.6 mm का सुपर स्लिम डिज़ाइन। सो दोस्तों यार, ये इस फ़ोन के मेन मेन फीचर्स थे जो कि एक बंदा चेक करता है नॉर्मली फ़ोन बाई करने से पहले, एंड आई थिंक कि मैंने आपको इन चीज़ों को क्लियर कर चुका हूँ कि अगर आप लोग फ़ोन को बाई करना चाहते हो दोस्तों, आप अपने हिसाब से बाई कर सकते हो। अब जिसको भाई कैमरा चाहिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा, तो उसके लिए अच्छा फ़ोन है ये, बाकी बैटरी तो नॉर्मल सब में 5000 आती है। तो बाकी डिस्प्ले डिज़ाइन काफ़ी अच्छा, बीजल लेस डिज़ाइन है, थोड़ा स्लिम फ़ोन है वैसे देखने में भी, है ना। तो लुक्स अच्छी है गाइज, आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो इफ़ आर गोइंग टू बाय स्मार्टफोन अंडर 15-16K। सो दोस्तों यार, यही था आज की वीडियो में, थैंक यू सो मच अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो। एंड गाइज अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया दोस्तों प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी दैन डिसलाइक भी कर दो, कोई बात नहीं दोस्तों सब चलता है। एंड अगर आप लोग गाइज कोई मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल गाइज, वहाँ पे ओपन है पेज पर, वहाँ पे आप लोग सिंपल बात कर सकते हो, उसका लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।